ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय चौटाला की लगन रंधावा के साथ दिल्ली में सगाई हुई। तमाम मेहमान और वीआईपी यहां नजर आए, लेकिन चौटाला फैमिली के दो बड़े चेहरे इस पार्टी में दिखाई नहीं दिए। चौटाला परिवार में ऐसा क्या है कि पोते को आशीर्वाद देने के लिए ना तो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे और ना ही भतीजे के सिर पर हाथ रखने अभय चौटाला। आइए समझते हैं चौटाला परिवार की पूरी महाभारत। ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे हैं, अजय सिंह चौटाला बड़े हैं और अभय सिंह चौटाला छोटे। अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला और उनके दो बेटे हैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। वहीं अभय चौटाला के भी दो बेटे हैं, एक का नाम करण और दूसरे का अर्जुन। अब आते हैं चौटाला परिवार की महाभारत पर। जब टीचर भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे तो पार्टी में अभय चौटाला दूसरा पावर सेंटर बन गए। पार्टी से जुड़े ज्यादातर फैसलों में उन्हीं का दखल था। वहीं अजय के साथ ही दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला पार्टी में कमजोर पड़ते जा रहे थे। 2 नवंबर साल 2018 को ओम प्रकाश चौटाला ने अजय चौटाला के बेटों दुष्यंत और दिग्विजय को इंडियन नेशनल लोक दल से निकाल दिया। इसके ठीक 12 दिन बाद यानी 14 नवंबर 2018 को अजय चौटाला की पार्टी से सदस्यता भी रद्द कर दी गई। बकायदा ओम प्रकाश चौटाला की जेल से लिखी चिट्ठी पढ़कर मीडिया को सुनाई गई। फैसले का ऐलान करते वक्त अजय के छोटे भाई अभय चौटाला मौजूद थे। इस खत में अजय चौटाला की INLD से सदस्यता रद्द करने का फरमान था। दरअसल अजय चौटाला के परिवार को पार्टी से निकालने की जमीन 7 अक्टूबर 2018 को ही तैयार हो गई थी। सोनीपत के गोहाना में INLD की इस रैली में ओम प्रकाश चौटाला भी मौजूद थे। वे 2 हफ्ते की पैरोल पर बाहर आए थे। इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने अभय चौटाला के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। 22 अक्टूबर 2018 को जब दुष्यंत जींद आए तो एक बड़ा जनसमूह उनके समर्थन में आ गया। इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यही नहीं, INLD की उस यूथ विंग को भी भंग कर दिया गया जिसकी अगुवाई दिग्विजय चौटाला कर रहे थे। दुष्यंत और दिग्विजय ने इस फैसले को खारिज करते हुए पूरे हरियाणा में जनसमर्थन जुटाना शुरू कर दिया। 9 दिसंबर 2018 को ही दुष्यंत चौटाला ने जींद से एक जननायक जनता पार्टी के नाम से एक नए दल का ऐलान कर दिया। दुष्यंत ने इस दौरान कहा कि देवी लाल के नाम पर ही पार्टी का नाम जननायक रखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में समर्थक उन्हें जननायक के नाम से पुकारते थे। JJP ने देवी लाल के सिद्धांतों के आधार पर पार्टी की विचारधारा और सियासत आगे बढ़ाने की घोषणा की। 25 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी CM पद की शपथ ली। INLD में बिखराव के साथ ही अजय और अभय चौटाला के परिवार में दूरियां बढ़ती चली गईं। इसी का नतीजा दिग्विजय की सगाई में भी देखने को मिला। उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला और चाचा अभय चौटाला ने सगाई समारोह में मौजूदगी तक नहीं दर्ज कराई। NBD ऑनलाइन के लिए सुधाकर की रिपोर्ट।